So hi everyone, this is Shomita from Shomita Statics. Now this video is not at all planned video. मैं अभी ये कंज्यूम कर रही हूँ और मेरे जो सब्सक्राइबर्स है और जो चैनल देखते हैं उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो कॉम्पोजिट फूड है इसका फूड वैल्यू बहुत ज़्यादा है और अगर आपके जो पेट साफ नहीं होगा तो कभी भी हेयर और स्किन कितने भी प्रोडक्ट्स डाल लो वो आपको 100% रिजल्ट्स नहीं देगा। तो मेरी ये आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चाहे आप जो मीट है, जो चिकन है, मटन है वो आप स्किप कर सकते हो, आप फिश भी दो दिन के लिए स्किप कर सकते हो, मगर ये मेरी आप सबसे ऐसे बोलना चाहती हूँ कि ये जो खट्टी दही से हम रायता बनाते हैं वो हमारी स्किन और हेयर दोनों के लिए परफेक्ट है और जो बॉडी में जो वेस्ट होती है, जो गैस की प्रॉब्लम होती है या किसी को कुछ भी बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है, बीपी में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है आपके शरीर के लिए। और क्यूकम्बर जो है आप सभी जानते हो, मैं प्रोसेस नहीं बताने वाली हूँ, बस दो चम्मच खीरा और दो चम्मच खट्टी दही लेना और कभी भी मीठी जो दही है वो मत लेना क्योंकि वो प्रोसेस्ड होती है। तो अगर आप बहुत सारे नेचुरल कुछ रेमिडीज चाहते हो तो ऐसी कुछ रायता बना के आप खा लो खाने के बाद, और मेक श्योर आप जो आफ्टरनून यानी 4 बजे से पहले ही ये कंज्यूम कर लो क्योंकि आपको तो पता है जो ये जो दही है ना वो एक बहुत सारा सलाइवा जो है हमारे जो सर्दी की जो एक टेंडेंसी होती है बच्चों में या बड़ों में वो 4 बजे से शुरू होने लगती है। अगर हम केला खाते हैं और अगर ये दही खाते हैं तो बहुत सारा हमारे वो सर्दी लगने की इतने सारे टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो मेरी ये सबसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप अगर ऐसी कोई फूड आप ले रहे हो जिसमें दही है, केला है, तो इसको हमेशा 4 बजे के पहले आप खा लो। हाँ, और क्यूकम्बर में आप सबको पता है कि ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हम क्यूकम्बर की फेस पैक लगाते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं। खट्टी दही भी बहुत स्किन के लिए आप लगा लो, एक खट्टी दही और हनी तो वो भी बहुत अच्छा फेस पैक होती है, और रायता अगर आप मिला लो तो बस एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है जो आप स्किप नहीं करोगे अगर मेरी बात मानोगे। तो अगर बहुत रायता खाते खाते आप बोर हो चुके हो तो चीनी मिला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों को तो दे भी सकते हो लेकिन जो डायबिटीज़ है वो चीनी की कंज्यूम मत करे। और एक जो है जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं उस सॉल्ट को प्लीज़ कोई भी ऐसे आयोडाइज सॉल्ट यूज़ ना करे, रॉक सॉल्ट यूज़ करे तो शरीर उसको ज़्यादा कंज्यूम करती है बहुत कम समय में। तो ये जो है वो वही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आप अगर हर रोज़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको इनर जो है ना इनर, अगर बहुत सारे हमारे जो लीवर है, किडनी है और जो लंग्स है वो अगर फ्रेश रहेगी अंदर से तो उसका जो रिफ्लेक्शन, जो एक मिरर जो स्किन है, हम लोग बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं कि ग्लास स्किन एक्चुअली ग्लास स्किन तभी होगी अगर आप जो अंदर से वो आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, टेंशन फ्री रहे। लेकिन आजकल जो वक्त चल रहा है बहुत ज़्यादा हम प्रेशराइज्ड होते हैं, बीपी बढ़ जाती है, हार्ट की बीमारी और कहीं ज़्यादा बीमारी अभी बढ़ चुकी है, तो हमको फिर से वो बैक टू नेचर वाला जो है ना, जो बैक टू नेचर वाला पॉलिसी के हाँ हम नेचर को अपनाएंगे। तो नेचुरल कुछ चीज़ें आप लेते रहो, हेल्दी खाते रहो और देख लेना फिर कोई आपको ऐसे कोई आर्टिफिशियल मेकअप की, आर्टिफिशियल कुछ की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये आप खा लो और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहो और मेरे चैनल पे ऐसे आते रहोगे तो मुझे बहुत
खुशी मिलेगी। और एक जो फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई कि इसको ना आप कभी भी खाली पेट मत लेना, आप लंच कर लो उसके बाद लेना, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट के बाद लेना, और डिनर के बाद मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ खाने के लिए मैं बोल सकती हूँ, वो है एक ग्लास दूध ले लेना, उसमें जस्ट हाफ टी स्पून उसमें हल्दी ले लेना, और एक जो है शुगर केन मिलती है, हम इसको बोलते क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं है, बंगाली में उसको आखी गुड़ बोलते हैं, जो शुगर से हम जो जैगरी पाते हैं वो उसको शुगर जैगरी को आपको बिग बास्केट में मिल जाएंगी, तो वो आप खरीद सकते हो। तो कुछ भी आप नेचुरल आप ऐसे पी के आप सो जाओ या आप इसको खा के सो जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, आपको कूल फील होगी और आप स्वस्थ रहोगे, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर मैं आ जाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन टेक केयर, और बना लो और खा लो। ओके, चलो टाटा बाय।